અને રમા દવે ટેકનિશિયન ઇલેક્ટ્રિકલ રાજકીય પોલિટેકનિક મહાવિદ્યાલય પાલી. સબ્જેક્ટ કોડ 209 का प्रैक्टिकल है 2.1 प्रिपरेशन ऑफ वायरिंग डायग्राम एंड वायरिंग ऑफ द सोडियम वेपर लैम्प. हम सोडियम वेपर लैम्प में किस तरह से हम वायरिंग करेंगे इस ये और इसका वायरिंग डायग्राम. अब हम मैं आपको इसमें वायरिंग कैसे करते हैं ये बताऊंगी. ये देखिए, ये इस तरह से ये सोडियम वेपर लैम्प होता है. ये बल्ब लगा हुआ होता है सोडियम वेपर लैम्प में. होल्डर में चोक, कैपेसिटर और इग्निटर, इसमें तीन चीज़ें लगी हुई होती है. अब इसका सर्किट डायग्राम देखिए किस तरह से है. ये जैसे हमने सोडियम वेपर लैम्प को इस होल्डर में लगाया है, जैसे यहाँ पे फेस और न्यूट्रल अपना सप्लाई है ये एसी सिंगल फेस की. जैसे सबसे पहले हम फेस को जोड़ेंगे. फेस को हम सीधा कैपेसिटर में लेके आएंगे. सबसे पहले फेस का तार, जैसे ये देखिए, ये इस तरह से कैपेसिटर में लगा हुआ है. और इग्निटर के एक पॉइंट में भी हमने फेस को देना है. तो हमने यहाँ से एक फेस का वायर इग्निटर के रेड वाले पॉइंट में जोड़ दिया है, ठीक है. दूसरा फेस का वायर हमें चौक के 240 जहाँ पे लिखा होता है उस पॉइंट पर जोड़ेंगे. ये देखिए, ये फेस को हमने कैपेसिटर और रेड वाले वायर में इग्निटर में जोड़ा है. और उसके बाद में हमने 240 चौक में 240 लिखा होता है वहाँ पे ये जोड़ा है. फिर हम न्यूट्रल का वायर एक होल्डर में देंगे. ये देखिए, ये न्यूट्रल इस तरह से एक होल्डर में और न्यूट्रल एक इग्निटर के पॉइंट में जहाँ पे ये ब्लैक वायर लगा होता है. इग्निटर में तीन पॉइंट होते हैं, रेड, येलो और ब्लैक. ब्लैक वाले पॉइंट पे हम अपना न्यूट्रल का ये पॉइंट जोड़ देंगे. और एक पॉइंट हम कैपेसिटर में दे देंगे. ये न्यूट्रल का पॉइंट कैपेसिटर में दे दिया, ये कैपेसिटर में और ये इग्निटर में ये ब्लैक वाला न्यूट्रल जोड़ दिया है हमने. इस तरह से एक कॉमन पॉइंट होता है, उसमें हम होल्डर का एक पॉइंट कॉमन में जोड़ देंगे. ये इस तरह से हमारे कैपेसिटर के, इग्निटर के और होल्डर में और चोक के इस तरह से हमारे ये कनेक्शन है. इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर देंगे. लैम्प को होल्डर में लगाएंगे. ये हमारी चोक है. एक तरह से चोक हमारा ये ट्रांसफॉर्मर का कार्य करती है, जिससे क्या है कि हाई वोल्टेज प्रोवाइड करती है. इस लैम्प को हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है, सोडियम वेपर लैम्प को. तो ये चोक हमारी क्या है, ये हाई वोल्टेज प्रोवाइड करती है. इसी तरह से ये कैपेसिटर है. जैसे कैपेसिटर इसका पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए या पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हम इसमें ये कैपेसिटर लगाते हैं, ताकि इसका पावर फैक्टर हाई हो, क्योंकि इसको हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है. जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो क्या है कि स्विच ऑन करने पर हमारे ये नियोन गैस और सोडियम वेपर के कुछ इसमें टुकड़े होते हैं, जो सोडियम वेपर लैम्प में कुछ बूंदे होती है सोडियम की. तो ये गर्म होने के बाद में जो हाई वोल्टेज के कारण सोडियम वेपर गर्म होने के बाद नियोन गैस के साथ में जलती है और गर्म होकर ये सोडियम वेपर लैम्प को ऑन करते हैं. तो पहले ये हल्की गुलाबी रोशनी देता है, उसके बाद में धीरे धीरे ये 15 से 20 मिनट इसको जलने में लगता है टाइम, और बाद में ये अपनी पूरी रोशनी देना शुरू कर देता है. ज़्यादातर ये लाइटें हम ये सोडियम वेपर लैम्प को हम स्ट्रीट लाइट में या रोड लाइट में काम में लेते हैं, परंतु इसकी कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण हम आजकल क्या है कि हम एलईडी लाइटों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लग गया है. थैंक यू.